हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द आवर चैनल आइडियाज थ्रू ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में और परसों की वीडियो यानी दो दिन से हम आपको हिंदी सेकंड ग्रेड करा रहे हैं, क्योंकि हिंदी फर्स्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। हिंदी फर्स्ट में आपका बुक का एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड मीनिंग, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद में मैंने हिंदी सेकंड का सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसमें कि आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, चैप्टर 5 संज्ञा, चैप्टर 5 संज्ञा पेज नंबर 20, ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कराया था। कल की वीडियो में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका था। आई होप आप सभी को इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि नोटबुक में, यानी जो आपकी नोटबुक थी, उसमें आपको किस तरह से, कैसे हाफ ईयरली का थॉट एंड सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपकी नोटबुक थी उसे आप सभी ओपन कर लीजिए, जिसमें कि 4 चैप्टर तक मैंने आपका वर्क करा दिया था, जो कि PT1 का सिलेबस था। 4 चैप्टर तक, जिसका फर्स्ट चैप्टर था भाषा एवं व्याकरण, वर्ण, शब्द एवं वाक्य, मात्राएं, ये 4 चैप्टर थे और इनकी बुक की एक्सरसाइज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। आई होप आप सभी का PT1 का सिलेबस कंप्लीट होगा। अब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे चैप्टर जो 5 है यानी संज्ञा, उसके बारे में बताएंगे कि आपको उसका थॉट, सिलेबस, चैप्टर थॉट किस तरह से कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट, जो आपकी नोटबुक है, सबसे पहले उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद में, जैसे मेरी नोटबुक ये है, नोटबुक है ये, हमने देखिए यहाँ पर ये हमारी नोटबुक है हिंदी सेकंड की, ठीक है। ये हमने हाफ ईयरली का थॉट डाला है। जैसे हमारा चैप्टर इधर एंड हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको टर्न कर देंगे और जैसे कि ये पेज था, इसे हम क्या करेंगे, लीव छोड़ देंगे। यहाँ पर पड़ा होता है PT1 कोर्स कम्प्लीटेड, व्हाट इट एवरीवन। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर आज पेज नंबर डालना है, जो भी आपका पेज नंबर हो, जैसे कि मैंने डाल के रखा हुआ है। उसके बाद में आपको आज की डेट डालनी है, पेज नंबर डालना है और आज की डेट डालनी है। तो स्टूडेंट, इतना कंप्लीट करना है आपको पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा हाफ ईयरली का थॉट और सिलेबस कब लिखाया गया है, कैसे कंप्लीट हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, जो आपका थॉट एंड सिलेबस है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर पे हेडिंग डालेंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट में डाली थी हिंदी फर्स्ट में थॉट। तो हमारे जैसे रजिस्टर का पेज बहुत बड़ा है, आप ऊपर से 5 या 6 लाइन लीव करके क्या कर सकते हैं, टू लाइन में आप थॉट डाल सकते हैं, THOUGHT। ये क्या हो गया, थॉट हो गया। अब हम थॉट, मतलब उस पर थॉट को क्या बोलते हैं, सुविचार बोलते हैं। तो सुविचार मतलब, अगर मेरी हिंदी फर्स्ट होती तो उसमें हम स्टोरी से रिलेटेड थॉट डलाते हैं, तो ये हमारी हिंदी सेकंड है, जो कि भाषा, जिससे कि भाषा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, यानी जिससे लैंग्वेज का जन्म हुआ, जहाँ से हिंदी निकली है। तो अब देखिए, आप सब इस जो हाफ ईयरली का थॉट है उसे ठीक से लिखिएगा और ठीक से उसे समझिएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं आपसे। तो देखिए, comma, begin, आपका थॉट है भारत देश का गौरव, भारत देश का गौरव व सम्मान है, भारत देश का गौरव व सम्मान है, हिंदी, भारत देश का गौरव व सम्मान है, हिंदी। स्टूडेंट, जो हमने हिंदी यहाँ पर लिखा है, आप हिंदी ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और मैंने तो ऐसे सिंपल तरीके से लिखा है, आप इसे कुछ डेकोरेट भी कर सकते हो और सुंदर तरीके से भी लिख सकते हो,
आप इसे ज़्यादा कलरफुल मत करिएगा, लेकिन नीट एंड क्लीन और थोड़ा सा सुंदर लिखिएगा, ठीक है। भारत देश का गौरव व सम्मान है हिंदी। इतना लिखने के बाद में आप इनवर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, देखिए जैसे कि मैंने बंद किया हुआ है। आप ये जो हिंदी है यहाँ पर भी लिख सकते हो, और आप इसे अपने तरीके से डेकोरेट करके भी लिख सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी समझ गए होंगे कि आपको हाफ ईयरली का थॉट किस तरह से लिखना है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको इसके आगे का वर्क कैसे करना है। तो ये तो हो गया आपका हाफ ईयरली का थॉट। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, पेज टर्न करेंगे। पेज टर्न करने के बाद में आपका देखिए पेज नंबर ऊपर पड़ा हुआ है, आपकी नोटबुक में नहीं पड़ा हुआ होगा क्योंकि मैंने पहले से डाल रखा है, इसलिए मेरे में पड़ा हुआ है। तो आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले पेज नंबर डालेंगे और जैसे कि डेट जो है आज की वो आप फिल कर देंगे, ठीक है, फिल कर देंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट, हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट, हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको हिंदी फर्स्ट में डलाया था, सेम उसी तरीके से आपको इस साइड पेज पे डालना है। अब इसके अपोजिट साइड यानी इसके सामने पेज में आपको क्या करना है, सिलेबस लिखना है। तो सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, अब वो कैसे लिखना है, तो सेम प्रोसेस में जैसे आपने आगे के दो पेज में किया है, आपको पेज नंबर डालना है। पेज नंबर डालने के बाद में आपको डेट डालनी है। डेट डालने के बाद में आपको ऊपर से टू लाइन लीव करनी, क्योंकि मेरा रजिस्टर का पेज है तो ये बहुत ही लेंदी है। तो आप सभी क्या करेंगे, ऊपर से टू लाइन लीव करके नीचे की टू लाइन में यानी 3 और 4 नंबर लाइन में आपको लिखना है सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव डेट। उसके बाद में आप क्या करेंगे, चैप्टर। स्टूडेंट जो हमने चैप्टर कराए हैं ये, तो इन चैप्टर जो ये चैप्टर हैं ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, जो बुक का इंडेक्स है उसमें भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अगर आपको मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा है कि चैप्टर का नेम हमने क्या लिखा है, वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप सभी अपनी बुक ओपन कर लेंगे तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। तो स्टूडेंट चैप्टर 5 यानी पार्ट 5 क्या है आपका, संज्ञा, संज्ञा। पार्ट 6 क्या है आपका, लिंग, पार्ट 6 लिंग। पार्ट 7 वचन, संज्ञा लिंग वचन। पार्ट 8 सर्वनाम। पार्ट 9 विशेषण। पार्ट 10 क्रिया, पार्ट 10 क्रिया। नाउ वन सेकेंड फिर से मैच कर लीजिए। 5th चैप्टर है आपका संज्ञा, 6 है आपका लिंग, 7 है आपका वचन, 8 है आपका सर्वनाम और 9 है विशेषण, 10 है क्रिया। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका हाफ ईयरली का थॉट एंड सिलेबस। तो स्टूडेंट्स फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं, जिससे कि अगर किसी का भी छूट गया है या कोई ठीक से नहीं कर पाया या किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से करना है, जिससे कि आप अच्छे से लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें और प्यारा सा सुंदर सा लिखें, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। अगर आप पुअर हैंड राइटिंग का यूज़ करेंगे तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सभी बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। स्टूडेंट मैंने बताया था कि सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर डेट डालनी है और पेज नंबर डालना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेंटर पे हेडिंग डालनी है थॉट, सेंटर पे हेडिंग डालनी है थॉट। और आपका हाफ ईयरली थॉट है भारत देश का गौरव व सम्मान है हिंदी, भारत देश का गौरव व सम्मान है हिंदी। स्टूडेंट्स इतना करने के बाद में डॉट कॉमा बंद कर देना है और इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट भी कर देना है। उसके बाद में आप टर्न करेंगे पेज। पेज टर्न करने के बाद में आपका देखिए यहाँ पर जो ये पेज है इसे इस पर क्या करना है, आपको लिखना है हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। सेम उसी प्रोसेस में आपको यहाँ पर भी डेट और पेज नंबर डालना है, लिखना है हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। इतना लिखने के बाद में आप इसके सामने पेज पे आ जाइए, वहाँ पर आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले ऊपर डेट डालनी है और पेज नंबर डालना है।
ऊपर की टू लाइन लीव करके आपको डालना है सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली। फिर डालना है 22 डेट, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका हाफ ईयरली का थॉट एंड सिलेबस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको थॉट एंड सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।